जी गुज़िश्त रात अफसोसनाक वाक़े में कत्ल होने वाले नौजवान ताजर हमाद अंसारी के कत्ल के ख़िलाफ़ ताजर बरदरी सरापा एहतजाज है और उन लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा करके धरना देकर बंदर रोड को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ हैं उनकी लंबी कतारें लग गई हैं। मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जाम हो चुका है और इस वक्त भी मेरे कप में आप देख सकते होंगे कि एहतजाजी धरना जारी है। मुजाहरीन का मुतालबा है कि जो कत्ल में मुलविस मुलजिम है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसको जो दी गई रकम है वो तकरीबन 50 लाख रुपये है, वो बरामद नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उनमें इंतहाई परेशानी पाई जा रही है। जबकि जो उन्होंने कार ख़रीदी थी वो भी कार जो है उनको फरहम नहीं की जा रही, यही मुतालबात हैं जिसकी बिना पर ताजिर बरदरी सरापा एहतजाज है। ख़ासतौर पर जो मकतूल के अलावा यकीन है वो सरापा एहतजाज है, उन लोगों ने यहाँ पर धरना लगाया हुआ है। इसके अलावा जो सखर शहर के अहम तजारती मराकज़ हैं जिसमें शाही बाजार है, कपड़ा मार्केट है और जो उस अतराफ़ के कारोबारी मराकज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हैं। वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कराने के लिए मकतूल के अलावा यकीन, ताजिर बरदरी और ताजिर रहनुमा जो हैं वो इस वक्त पहुँच चुके हैं और जो लवाहकीन हैं उनकी मुदयत में अब से थोड़ी ही देर के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मुजाहरीन का यही मुतालबा है कि जो रकम छीनी गई है वो भी बरामद की जाए, जो गाड़ी ली गई है वो भी बरामद की जाए और जो इस वाक़े में मुलविस मुलजिम है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसके जो सहूलतकार हैं उनको भी सामने लाकर उनको भी कैफर गिरफ्तार तक पहुँचाया जाए। जी।